एक्टर विजय देवरकोंडा समझने लगे हैं खुद को एक बड़ा स्टार। वेल, विजय ने रिसेंटली खुलासा किया कि वो डेब्यूटेंट्स के साथ नहीं करते हैं काम, और उनके साथ काम करने के लिए उनका वन फिल्म ओल्ड होना है जरूरी। डेब्यूटेंट्स पर किए गए विजय देवरकोंडा के इस कमेंट ने जहां उन्हें नेगेटिव लाइट में ला दिया, वहीं यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। यूं तो विजय के चाहने वालों की कमी नहीं है और अपने परफॉर्मेंस और फिल्मों से उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है, लेकिन अब कुछ लोगों को विजय लगने लगे हैं एरोगेंट, और जिसकी वजह बना है डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स को लेकर दिया गया विजय देवरकोंडा का रीसेंट स्टेटमेंट। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में विजय से तमिल में डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करने को लेकर सवाल किया गया, जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे वो लोगों की नजरों में खटकने लगे। विजय ने कहा, आई डोंट वर्क विद डेब्यूटेंट्स नाउ, एट लीस्ट दे नीड टू बी वन फिल्म ओल्ड बिकॉज इट्स अ ह्यूज चैलेंज टू टेक अप व्हेन यू कम स्ट्रेट ऑनटू अ सेट। इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर टू हैंडल अ बजट, टू हैंडल अ स्केल। विजय ने फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहा, योर फर्स्ट फिल्म जस्ट गेट्स यू इनटू द ग्रूव, इट्स लाइक हैविंग दैट प्रैक्टिस मैच, लाइक वार्मिंग अप। आई नीड देम वार्म एंड रेडी फॉर मी, बिकॉज व्हेन आई कम ऑल आउट एंड आई नीड देम टू बी फुल्ली रेडी टू बी एबल टू एक्सप्लॉइट मी एंड यूज मी। विजय की ये बातें कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को एकदम पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे लेकर एक्टर पर निशाना साधा। एक नेटिजन ने कमेंट किया, दिस गाय कीप्स ऑन डिग्रेडिंग हिमसेल्फ। एक और यूजर ने लिखा, इवन डेब्यूटेंट्स डोंट लाइक टू वर्क विद यू बिकॉज़ दे नीड अ गुड डेब्यू फिल्म। थर्ड यूजर ने कहा, इफ डायरेक्टर्स थॉट द सेम ही वुडंट बी सेइंग दिस। साफ है लोगों को विजय का ये तेवर जरा भी नहीं भाया, और उन्होंने एक्टर को ये भी याद दिलाया कि कैसे वो अर्जुन रेड्डी जैसी और कई फिल्मों में डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करके आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। खैर, ऑन द वर्क फ्रंट विजय लास्ट समांथा रूथ प्रभु के ऑपोजिट खुशी में नजर आए थे। विजय करंटली अपनी अपकमिंग फिल्म द फैमिली स्टार का प्रमोशन कर रहे हैं जो 5 अप्रैल को रिलीज होगी आफ्टर बीइंग पोस्टपोन्ड फ्रॉम संक्रांति अर्लियर दिस ईयर। वहीं विजय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं और रश्मिका मंदाना के साथ उनके लिंकअप और लिव इन में रहने की चर्चा अक्सर सामने आती रहती है।